क्या आपको पता है ये मसाला बाटी मैंने बिना किसी तंदूर और ओवन के बनाया है। इसे मैंने गैस पे बनाया है और गेहूं के आटे से बनाया है। ये खाने में बहुत टेस्टी है और इसके साथ किसी भी चटनी या सॉस या सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसे आप ऐसे ही खा सकते हो। आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा क्रिस्पी है और सेम टाइम पे ये सॉफ्ट भी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 2 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप हम इसमें डालेंगे रवा यानी सूजी। आप मोटी या पतली वाली दोनों में से कोई एक सूजी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन इस तरह से क्रश करके, थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच देसी घी, 2 हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है, बहुत सॉफ्ट नहीं लगाएंगे। और ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है, इसे हमें ढक के रखना है थोड़ी देर के लिए। जब तक ये रेस्ट पे है तब तक हमें फिलिंग तैयार कर लेनी है। इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, 1 चम्मच जो है सौंफ और 1.5 टेबल स्पून जो है धनिया डाल के इसे दरदरा सा पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। अब पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे जीरा, मिर्ची, अदरक और धनिया का जो हमने बनाया था अभी पेस्ट वो डालेंगे। इसके साथ साथ हम डाल देंगे इसमें मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा मटर, इसे भी अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, इसे जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरह से फिलिंग बनाते हैं तो इसकी फिलिंग जो है एकदम समोसे जैसा टेस्ट करेगा। और ये देखिए हमारी फिलिंग बन के रेडी है। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो जो हम आटा लगाए थे उसे एक बार हम नीट कर लेंगे। ये देखिए आटा ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत हार्ड है। अब हमें आटे की लोई बनानी है। रोटी की लोई से थोड़ी सी बड़ी हम लोई बनाएंगे और इसे हमें इस तरह से फैला लेना है। ये देखिए बिल्कुल कटोरी जैसा बन गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जो है फिलिंग रखेंगे और इसे अच्छे से पैक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से पैक कर लिया है। इस पे हल्का सा नाइफ से जो है कट लगाएंगे। ये पूरी तरह से कट नहीं करना है, बस इसको आपको थोड़ा सा शेप देना है। इसी तरह से मैंने सारी बाटियों को बना लिया है। अब आइए इसे सेक लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने अप्पे पैन में हल्का सा लगाया है ऑयल। हमें गैस का फ्लेम जो है एकदम ही लो रखना है। अब बाटियों को हमें इसमें सेट कर देना है। इस तरह से मैंने सारी बाटियों को इसमें रख दिया है। अब इसे हमें ढक के 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है लो फ्लेम पे।
दो से तीन मिनट के बाद ढक्कन हटा के एक बार इसे फिर से पलटेंगे। मैंने ऑलरेडी इसे पलट चुका है एक बार। इसके ऊपर से हम ऑयल लगाएंगे, देन फिर से हमें ढक के इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है लो फ्लेम पे। उसके बाद हमें ढक्कन हटा देना है, फिर इसे हमें पलटते पलटते अच्छे से चारों तरफ से सेक लेना है। ये देखिए, ये जो है बाटी अच्छे से सिक चुका है, बहुत ही अच्छे से सारी बाटियां जो है फट चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसे इस तरह से मैंने जो है पलटते पलटते अच्छे से सेक लिया है। और इसे सर्व करने के लिए पहले इसे हम प्लेट में निकालेंगे, देन इसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा सा घी डालना है। इस तरह से ये देखिए हमारी बाटी जो है बन के तैयार है। अभी ये बहुत गर्म है, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।